और बड़ी खबर केरल से आ रही है, जहां केरल के कोझिकोड में एयर इंडिया के प्लेन से जुड़ी ये जानकारी है। आपको बताते हैं कि दिखाते भी हैं और इस खबर से पूरा अपडेट क्या कुछ है। दरअसल कल शाम को 7:41 पर यह हादसा हुआ था। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं, एयर इंडिया का विमान दुबई से कोझिकोड पहुंच रहा था। वंदे भारत मिशन के तहत लैंडिंग के वक्त विमान का संतुलन बिगड़ा और हादसा हो गया। कुछ इस तरीके की तस्वीरें आई थी। लैंडिंग के वक्त मौसम खराब था, विजिबिलिटी बेहद कम बताई जा रही है। 2 किलोमीटर तक की विजिबिलिटी उस वक्त थी। A737 बोइंग विमान में यात्री करीब 190 सवार थे। हादसे में दोनों पायलट समेत 17 लोगों की फिलहाल मौत की खबर मिल रही है। 12 यात्रियों की हालत बेहद गंभीर है, निजी हॉस्पिटल में इन सभी का इलाज चल रहा है। DGCNS पूरे हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। 2 टीम फिलहाल कोझिकोड पहुंच भी चुकी है। राहत और बचाव का कार्य पूरा हो चुका है। मलबा हटाने का काम हालांकि अभी भी जारी है। प्रिया, बिल्कुल, तो ये पूरी कुछ जानकारी है, अपडेट है जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि राहत बचाव कार्य किस तरीके से पूरा किया गया, मलबा हटाने का काम जारी है। लेकिन प्राथमिकता कल यही थी कि जैसे ही ये विमान इस तरीके की खबर सामने आई कि तुरंत उन यात्रियों को बचाया जाए जो इस वक्त वहां पर फंसे हुए हैं। और शुक्रवार की शाम केरल के कोझिकोड में एयर इंडिया का प्लेन लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया, जैसे पूरी डिटेल भी हम लोगों ने आपको दी ही। लैंडिंग में फिसल करके विमान 2 टुकड़ों में बट गया। विमान में 184 यात्रियों समेत कुल 190 लोग सवार थे और हादसे में दोनों ही पायलट समेत 19 लोगों की मौत हुई है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं कोझिकोड एयरपोर्ट में हुए विमान हादसे की। हर तरफ बिखरा प्लेन का मलबा, रोते बिलखते लोग, राहत और बचाव करते NDRF के कर्मचारी और हर तरफ अफरा तफरी। दुबई से आ रहा एयर इंडिया का विमान शाम 7:41 पर कोझिकोड पहुंचा था, लेकिन बारिश और विजिबिलिटी कम होने की वजह से प्लेन रनवे पर फिसल गया और 35 फीट गहरी खाई में जा गिरा। गिरने के साथ ही प्लेन 2 हिस्सों में टूट गया, उसका कॉकपिट भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। तस्वीरों में आप समझ सकते हैं कि हादसे के बाद प्लेन की हालत कैसी हो गई। दुबई से यात्रियों को लेकर लौटे एयर इंडिया के A737 बोइंग विमान में 184 यात्रियों समेत कुल 190 लोग सवार थे। पायलट दीपक वसंत साठे एयरफोर्स में विंग कमांडर थे और एयरफोर्स से कमीशन होने के बाद 15 साल से एयर इंडिया से जुड़े थे। 12 यात्रियों की हालत गंभीर है, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, PM नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम नेताओं और मंत्रियों ने हादसे पर दुख जताया और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने केरल के CMP विजयन से फोन पर बात की और ट्विटर पर संवेदना व्यक्त की। कोझिकोड में हुए विमान हादसे से शोकाकुल हूँ, मेरी संवेदनाएं अपने प्रियजनों को खोने वालों के साथ हैं, घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो। देर रात तक एयरपोर्ट के बाहर एम्बुलेंस दौड़ती रही। फिलहाल राहत और बचाव कार्य पूरा कर लिया गया है, लेकिन मलबा हटाने का काम अभी जारी है। केरल के CMP विजयन ने ट्वीट कर हादसे की पूरी जानकारी दी। घायलों को मल्लपुरम कोझिकोड के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया का ये विमान दुबई से आ रहा था। विमान ने दुबई से शाम करीब 4:30 टेक ऑफ किया था। प्लेन से सभी यात्रियों को रेस्क्यू किया जा चुका है। केरल विमान हादसे में बचाव अभियान पूरा हो गया है। अलग अलग अस्पतालों में घायल यात्री भर्ती हैं। हादसे की बड़ी वजह केरल के एयरपोर्ट के टेबल टॉप रनवे को भी माना जा रहा है, क्योंकि अमूमन ऐसे एयरपोर्ट पर विमानों की लैंडिंग बेहद खतरनाक होती है। ये रनवे पठार या पहाड़ के टॉप पर बने होते हैं। कर्नाटक के मंगलुरु, केरल के कोझिकोड और मिजोरम में टेबल टॉप रनवे बने हुए हैं। तेज बारिश और विजिबिलिटी कम होने समेत हादसे की कई वजह हो सकती है। फिलहाल DGCA ने हादसे की जाँच के आदेश दे दिए हैं। जांच के बाद ही हादसे की असल वजह सामने आ पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो क्या बात
बारिश और विजिबिलिटी कम होने की वजह से यह हादसा हुआ है। देखिए ये सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं, लेकिन प्राथमिकता यही है कि लोगों को बचाया जा सके, सब कुछ सामान्य हो। और आइए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये एनिमेशन के जरिए कि कहां से फ्लाइट आ रही थी। दुबई से निकली थी ये कोझिकोड केरल के लिए, दुबई से भारत आ रही थी, वंदे भारत मिशन के तहत ये फ्लाइट आ रही थी लोगों को लेकर के। और तभी ये हादसे का शिकार कहां होती है, कोझिकोड केरल में हो जाती है। एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त में चूंकि बारिश और विजिबिलिटी कम होने की वजह ये बताई जा रही है, और हार्ड लैंडिंग होती है, इस वजह से हादसे का शिकार हो जाती है ये विमान। बिल्कुल, और अब दो बार लैंड करने की कोशिश पहले भी पायलट की तरफ से की गई थी, बताया जा रहा था कि तीसरी बार में यह हादसा हुआ। A737 बोइंग ये विमान था जिसमें 190 यात्री सवार थे, दोनों पायलट समेत 17 लोगों की मौत हुई है। हालांकि देखिए यह हादसा बहुत बड़ा हो सकता था, लेकिन कैजुअलिटी काफी कम हुई है पायलट की सूझबूझ की वजह से। एयरफोर्स से कमीशन के बाद 15 साल से एयर इंडिया के साथ जुड़े हुए थे पायलट, और प्रिया यही उनका जो अनुभव था उसी के चलते ये जो हादसा है उसमें कैजुअलिटी की संख्या। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से विमान के 3 टुकड़े हुए हैं ये तस्वीर भी धीरे धीरे सामने आई, और चूंकि ईंधन दोनों तरफ भरा हुआ रहता है, और उस वक्त जब हार्ड लैंडिंग हुई तो रनवे पे उतरी होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्पीड कितनी ज्यादा होगी, तो हीट होने की वजह से इसमें आग लगने के भी चांसेस थे, इसीलिए पानी का बौछार भी किया जा रहा था जब वो तस्वीर सामने आई थी, ये भी हमने आपको दिखाया था, ताकि इसमें आग ना लगे, क्योंकि अगर इसमें आग लग जाती तो फिर तस्वीरें और भयानक हो सकती थी। शाली बता भी रही हैं बहुत सारे लोग इसका शिकार हो सकते थे। और अब इस पूरे विमान हादसे की जांच के लिए 2 टीमों को लगा दिया गया है, एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी मामले की जांच करेगी। और चलिए तस्वीरों के जरिए ये जो पूरा दर्दनाक हादसा है उसका सच दिखाते हैं आपको। रनवे पर बिखरा मलबा, विमान का क्षतिग्रस्त कॉकपिट और राहत और बचाव कार्य में जुटे एनडीआरएफ के जवान। कोझिकोड एयरपोर्ट पर हुए विमान क्रैश की ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। कोविड-19 की वजह से दुबई में फंसे लोगों को वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया के विमान से लाया गया था। प्लेन में बैठने से पहले सभी के चेहरों पर वतन वापसी की खुशी रही होगी, लेकिन किसे पता था कि अपने देश की धरती पर उतरने से पहले हालात ऐसे हो जाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं हादसे की कुछ दर्दनाक तस्वीरें। ये वीडियो है रनवे पर बिखरे प्लेन के मलबे की। मोबाइल से बनाए गए इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने बुरे थे। प्लेन के पास सैकड़ों लोग मौजूद दिख रहे हैं, किसी का सामान लापता है, किसी ने अपने सगे संबंधियों को खो दिया है। विमान के मलबे की ये क्लोज तस्वीरें देखिए, प्लेन के परखच्चे उड़ गए हैं। अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकालने में बचाव कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, यात्रियों को निकालने के लिए सीटों को काटना पड़ा। विमान के अंदर राहत और बचाव कार्यों के ये 4 वीडियो देखिए, कई यात्री बुरी तरह फंसे हुए थे। अब जरा रनवे पर फिसलने के बाद टुकड़ों में बटे प्लेन की तस्वीरें देखिए, विमान इस तरह से लैंड हुआ कि उसका कॉकपिट टूट गया, अनकंट्रोल होकर वो रनवे से आगे जाकर खाई में जा गिरा और उसके 3 टुकड़े हो गए। हेड साइड यानी नोज पोर्शन सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ, जो टूटकर दूर जा गिरा। हादसे के वक्त कोझिकोड में तेज बारिश हो रही थी, बारिश की वजह से राहत और बचाव कार्य में काफी दिक्कतें आई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे बचाव कर्मचारी काम करते नजर आए। मलबे में तब्दील हो चुके प्लेन की तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। यात्रियों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए देर रात तक एम्बुलेंस दौड़ती रही, घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अस्पताल का ये मंजर देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। सही सलामत बचे यात्रियों के चेहरों में भी खौफ साफ देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रिपोर्ट पूरी आपने देखी, और वही बात जो बार बार प्रिया मैं कह भी रही हूँ कि देखिए जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक 2 बार पायलट ने पहले भी लैंडिंग की कोशिश की थी और ये तीसरी बार में ये हादसा हुआ, और इसीलिए अब जांच के बाद ही आखिरकार जो सच है वो सामने आ पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये भी अब कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि क्या कोई दूसरी जगह या कोई दूसरी कमांड क्या मिल सकती थी पायलट को। और जैसे इसके पहले भी हमने चर्चा की कि बहुत अनुभवी
वो पायलट थे और उनकी सूझबूझ का ये नतीजा रहा कि शायद ऐसे हादसों में हम देखते हैं कि आग ज्यादातर लग जाती है विमान में, लेकिन हर कोई चौकन्ना था और कैजुअलिटी बहुत कम हुई है। बिल्कुल, देखिए, और पायलट की सूझबूझ की वजह से ही ये बहुत सारे लोगों की जान बच पाई है। चूंकि पायलट की जान नहीं बच पाई, ये बड़ी दुखद है। कल जैसे ही खबर सामने आई थी और जिस तरीके से देखिए विमान की जो तस्वीरें भी सामने आनी शुरू हुई थी, उसके बाद हर कोई यही सोच रहा था कि इसके अंदर जो लोग हैं क्या वो सुरक्षित है, क्योंकि इस तरीके से विमान हिस्से में बट जाना, तीन टुकड़े हो जाना, पीछे का पार्ट अलग, बीच में अलग, और ये भी खबरें सामने आ रही थी कि लोग अंदर दबे हुए हैं, बच्चे हैं इसमें, इतने सारे लोग थे इसमें। लेकिन जब जिस तरीके से कैजुअलिटी की जो खबर सामने आई, उससे थोड़ी राहत जरूर मिली। नुकसान हुआ है, लोगों की जान गई है, लेकिन इतने सारे लोगों को बचाया भी है पायलट ने। और हार्ड लैंडिंग इसी वजह से शायद कहा जा रहा है कि दो बार कोशिश की गई लैंड करने की, नहीं हुआ। तीसरी अटेम्प्ट में ये तस्वीर हमें देखने को मिली, दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन पायलट की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही थी कि कमांड रखा जाए, लिया जाए, और चूंकि ये रनवे है, इसके दोनों तरफ घाटी है, तो जैसे ही रनवे पे उतरे, फिसल करके घाटी में जा गिरी। बिल्कुल, और जिस तरह का ये हादसा हुआ है उसके बाद अब कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर हादसा हुआ कैसे होगा, क्या लैंडिंग में दिक्कत हुई या फिर खराब मौसम की वजह से ऐसा हुआ। फिलहाल इसकी जांच लगातार जारी है, लेकिन चलिए हम आपको बता देते हैं कि हादसे की वजह क्या नहीं हो सकती है, लैंडिंग के वक्त क्या हुआ होगा। बिल्कुल, देखिए, तेज बारिश की वजह से, अगर बारिश बहुत तेज होती है, क्योंकि हम लगातार ये रात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की है जब ये हादसा हुआ, जब ये घटना घटी है। लैंडिंग के वक्त में तेज बारिश हो रही थी और बादल उस वक्त काफी नीचे थे, जिससे विजिबिलिटी की जो हम बात करें शालिनी, 2 किलोमीटर तक की, और वो विजिबिलिटी पायलट को नहीं मिल पाई होगी क्लियर। 200 फीट की हाइट तक घने बादल थे, ये हो सकता है हादसे के पीछे की वजह क्या हो सकती है, इस पर हम अभी बात कर रहे हैं। लैंडिंग के वक्त विजिबिलिटी बेहद कम थी, जो एक बहुत बड़ी रीजन हो सकती है। संभवतः पायलट रनवे को ठीक से देख नहीं पाया होगा, क्योंकि जिस तरीके का रनवे है, दोनों तरफ खाई है, अगर आप उस जगह पे पायलट लैंड नहीं करा पाता है, जो व्हील्स हैं उस रनवे पे नहीं आ पाते हैं, तो फिर फ्लाइट जो है वो फिसलेगी, तो घाटी में जाकर के गिर जाएगी। जिस तरीका का एयरपोर्ट है कोझिकोड, वहां की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और संभवतः स्पीड और ब्रेक्स का तालमेल शायद गड़बड़ा गया हो, या फिर रनवे पर फिसलन रही हो, जिसके चलते प्लेन का संतुलन बिगड़ा हो। रनवे को टच करने के बाद प्लेन फिसलता चला गया, उसके बाद किस तरह से, चूंकि दोनों ओर खाई थी, वो उसमें जाकर के गिर गया और 2 टुकड़ों में भी बट गया प्लेन।